हेलो दोस्तों, डायमंड ज्वेलरी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा एक दोस्त ने मुझे ये लिंक भेजा है इंस्टा पे कि ये दादा ये बना के दिखाओ, तो मैं इसको बना के दिखा रहा हूँ। पहले क्या करना पड़ेगा, US 7 रिंग साइज लेता हूँ मैं, 17.35 mm। ये इमेज को मैं हाइड कर देता हूँ यहाँ पे, कलर में सिलेक्ट करके हाइड। मैं नीचे 1.3 या 1.5 ले रहा हूँ, 1.8 2 mm। ठीक है, अब इलिस लेके इसका आउटर लेना है, इसको मैं अलग कलर देता हूँ। हम क्या करना है, इसका लेंथ लेते हैं, एनालाइज में लेंथ है आपका, इसका लेंथ है 65.659। तो ये लेंथ का एक स्ट्रेट लाइन लेना है 65.659 बाई 2। मैं बहुत साइड लिया इसलिए बाई 2। तो एक बार लेंथ मेजरमेंट करके देख लेते हैं दोनों सेम है कि नहीं, 659 659। ठीक है, अब ये हाइट कर देते हैं, इसको मैं अलग कलर कर देता हूँ, इसको डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब इमेज लेके आते हैं, इमेज को ऑलमोस्ट मैं 20-21 mm में रखता हूँ, ये हाफ पार्ट देख लेता हूँ कितना है, ऑलमोस्ट 21-22 mm है। तो अब इसका 2D ड्रॉ करना है, तो मैं नीचे 2.2 लेता हूँ, ये जो एरिया है ये नीचे वाला सैंक एरिया है, तो यहाँ पे 4 रोज आ रहा है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेजरमेंट होगा, अगर मैं ये 1 mm के हिसाब से भी रखता हूँ तो 1-1 2 mm, और इसको मैं 1.5 के हिसाब से भी अगर लेता हूँ 1.5 3 3 5 mm, ऑलमोस्ट 5 mm के ऊपर ही रखना पड़ेगा। इधर मैं 5 mm का एक लाइन ले लेता हूँ, बहुत साइड लिया इसलिए 2.5। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं 2D ड्रॉ करूँगा, इसको मैं थोड़ा बड़ा भी ले सकता हूँ, बाद में एडजस्ट कर लेंगे। मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर इसको कार्ड को स्मूथ कर लेंगे। मैं कॉपी कर देता हूँ, कॉपी यस कर देता हूँ, रोटेट करके 180। ठीक है, अभी ये वाला आउटर बना लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा स्मूथ कर लेते हैं, मुझे कितना देना है। मैं इसको रिकॉर्डिस्ट ऑन कर देता हूँ, ये मैं ले रहा हूँ 1 mm का, 1 mm का ऑफसेट। ठीक है, ये मैं 1.5 का ऑफसेट, तो सिमिलरली ये भी 1.5 का ऑफसेट। ठीक है, मुझे और एक 2D लेना पड़ेगा ये वाला, इसको मैं 180 रोटेट कर देता हूँ, तो मुझे आइडिया हो जाएगा ये कितना पार्ट कहाँ पे मुझे मूव करना है। अभी मैं इमेज को हाइड कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं रिवील कर देता हूँ,
पॉइंट्स ऑन करके इसको मैं मूव कर लेता हूँ। तो मैं रिवील कर लेता हूँ तो मुझे पता चले ये मुझे कितना मूव करना है। थोड़ा बाहर लेना पड़ेगा, ये वाला जो पार्ट है मेरा इसको ये ऑन एक्टिव मैं फिर से कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मुझे और बाहर लेना पड़ेगा क्योंकि ये एज अंदर आ रहा है। ठीक है, एक साइड का पार्ट हो गया मेरा, अभी दूसरा साइड का पार्ट बनाना बाकी है। ये पार्ट मुझे बनाना है, रिंग का ना 2D मेन है। अब 2D अगर ड्रॉ कर लिए तो बाकी आपको प्रॉब्लम नहीं है, 2D मेन काम है। तो कभी भी 2D जब भी बनाओगे ना केयरफुली बनाओ, 2D जितना स्मूथ होगा रिंग उतना अच्छा बनेगा। कोई भी डिजाइन, रिंग हो, पेंडेंट हो, ईयरिंग हो, कोई भी डिजाइन हो, 2D जितना अच्छा बनेगा आपका डिजाइन उतना अच्छा बनेगा। पर इमेज देख लेता हूँ, ठीक है ये मेरा बन गया। इसको मैं इसका 180 है, इसको फिर से कर लेता हूँ। मैं रिकॉर्डिस्ट इसलिए चालू रखा है तो एक लाइन आप स्मूथ करोगे ना अपोजिट वाला लाइन और ऑटोमेटिकली आपका स्मूथ हो जाएगा। देखो मैं ए वाला लाइन खींच रहा हूँ तो उल्टा साइड में ये साइड में देखो लाइन स्मूथ हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरा 2D बन गया। मैं अगर देख लेता हूँ ये पार्ट ज़्यादा फूगा है, ये साइड कम फूगा, तो ये साइड को मुझे फूगाना पड़ेगा, फूगाना मतलब बाहर लेना पड़ेगा ताकि डिजाइन सिमेट्री बने। या तो ये साइड मुझे कम करना पड़ेगा, दोनों में से एक करना पड़ेगा। ठीक है, ये साइड या तो बढ़ाना पड़ेगा नहीं तो ये साइड कम करना पड़ेगा। तो मैं ये साइड हल्का कम कर देता हूँ यहाँ पे, और ये वाला पार्ट
सर ये वाला पार्ट मैं थोड़ा बाहर ले लेता हूँ, ठीक है ये हो गया मेरा 2D। अभी क्या करना पड़ेगा, इसका स्टेपिंग देखना पड़ेगा, स्टेपिंग कौन सा है। मेरा ये वाला पार्ट ऊपर जा रहा है, अभी मैं रिकॉर्ड हिस्ट्री बंद कर देता हूँ, अरे रिकॉर्ड हिस्ट्री का मेरा काम हो गया। ये वाला यहाँ पे ऊपर जा रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो पार्ट है ना मुझे ये ऊपर लेना है, इसको हाइड कर देता हूँ इमेज फिर से, इसको स्टेपिंग ये पॉइंट ऑन करके मूव होता है, ये ऑटोमेटिक सेटिंग रहता है, आप कम भी कर सकते हो, नॉर्मल अब मैट्रिक्स में पॉइंट ऑन के रहते हैं, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा ऊपर लिया, अभी कौन सा नीचे करना है, अभी ये नीचे होके यहाँ पे ऊपर आना है, ये वाला काम, तो इसको इसको भी कर लेते हैं, यहाँ पे ऊपर आ रहा है, यहाँ पे नीचे हो रहा है, देखना कार्व स्मूथ है कभी भी, दूसरा और कौन सा है, यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा है, तो ये वाला कार्व को मैं अप डाउन कर लेता हूँ, पॉइंट्स यहाँ पे नीचे हैं, इसको मैं रिवील करके पॉइंट्स 14 ले लेता हूँ, यहाँ पे नीचे हैं, ये भी थोड़ा नीचे करते हैं, यहाँ पे ये ऊपर है, ठीक है। अब ये वाला कर्व देख लेते हैं, ये नीचे से ही है, तो मैं एक बार इसका मेटल बना के देख लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने लॉक किया, ये वाला पार्ट को लॉक किया, ठीक है। ये मेरा स्टेपिंग अप डाउन हो गया, अभी क्या करना है, मैं इसको एक्सट्रूड करके मेटल बनाऊंगा, यहाँ पे मेरा एक्सट्रूड कवर है, एक्सट्रूड सरफेस बोथ साइड ऑफ करना है, -3 mm रखा हुआ, ठीक है। ये मेरा स्टेपिंग हो गया, एक बार देख लेते हैं स्टेपिंग कम हुआ कि ज़्यादा हुआ, यहाँ पे थोड़ा कम लग रहा है, ये वाला स्टेपिंग ठीक है, ये वाला थोड़ा कम लग रहा है, तो इसको मैं ज्यादा कर देता हूँ, सबको मैं ग्रुप करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसको काट देता हूँ, काट प्लेन लेके नीचे का एक ही मेटल बनेंगे, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ, यहाँ पे मेरा गैप सी में इक्वल नहीं है, तो इसको मैं थोड़ा मूव कर लेता हूँ, सिमिलरली ये साइड भी सेम ही होगा,
ठीक है। अब इसको मेटल बना लेते हैं, लॉक करके सरफेस बना लिए। अभी यहाँ पे ये वाला पार्ट को यहाँ पे काट देते हैं, नीचे का हाफ मैं अलग से बनाऊंगा। डुप्लीकेट एज लिया, सॉरी, इस पर मेटल बनाना रहेगा। ठीक है, ये डुप्लीकेट एज लिया, ये लिया, इसको लॉक किया। अब इसको क्या करेंगे, एक्सट्रूड कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली ये साइड भी सेम चीज करेंगे, काट ले लिया, बोलियन स्केट करेंगे, ये दो का डुप्लीकेट एज लिया, ये दोनों को लॉक किया और इसको मैंने एक्सट्रूड कर देंगे। ठीक है, अभी मैं हाइड में जो है वो लेके आता हूँ। अभी मैंने पूरा मेटल को मैंने ग्रुप कर लेता हूँ। मैं इसको क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म के अंदर प्लॉलम कर दो, बेस कर्व भी, बेस कर्व आपका ये वाला कर्व है और इसका जो लेंथ लिया था बाहर वाला टारगेट का ये है, तो आपका फ्लो हो गया। रही मैं हाइड कर लेता हूँ, फिर भी हाइड कर देता हूँ। ठीक है, अभी आईडी से काट देंगे। आईडी कौन सा है, जो अंदर का है ना कर्व लेंथ लाइन का, वो रिंग आईडी है जो मैंने US7 लिया था। ठीक है, अभी इससे मैं बुलियन डिफरेंस कर दूँगा, आपका रिंग का स्ट्रक्चर बन गया। अभी क्या करना है, इसमें डायमंड पेस्टिंग करना है, इसमें डायमंड पेस्टिंग करना है। तो क्या करना है, इसका ये और ये सरफेस को मैंने कॉपी किया। ठीक है, तो इन्वर्ट करके बाकी सिलेक्ट हो गया, इसको लॉक कर दिया। अभी क्या करना है, इन दोनों का मिडिल लाइन लेना पड़ेगा, ट्विन कर्व, ये ट्विन कर्व है। ठीक है, अब इसमें जेमोन कर्व करेंगे, F6 क्लिक करके कीबोर्ड में आपका F6 क्लिक करके जेमोन कर्व। मैंने 1.5 रखा था तो 1.2 का डायमंड बैठ जाएगा, 1.2 का डायमंड, डायमंड के बाहर 0.15 का गैप मेटल छोड़ना है मुझे, 0.15 से 0.2 छोड़ते हैं का डायमंड बिठा देता हूँ। एक बार इमेज देख लेता हूँ, ये माइक्रो है कि कौन सा सेटिंग है। नहीं, ये प्रॉन्ग सेटिंग है, सिंपल प्रॉन्ग सेटिंग है। तो प्रॉन्ग सेटिंग में ये दो दो प्रॉन्ग हेयर दिख रहा है, तो मैं प्रॉन्ग सेटिंग में डायमंड बिठा देता हूँ। F6 फिर से क्लिक करके एडिट जेमोन कर्व। ये डायमंड टू डायमंड गैप है, ये मुझे 0.15 रखना है। बी ऑफसेट, जेड ऑफसेट 0.1, जेड ऑफसेट यानी आपका डायमंड सेट के ऊपर कितना है, ये 0.1 है। ठीक है, मैं 0.14 कर देता हूँ ताकि यहाँ पे यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। 0.16 करके देखो, 0.165 इक्वल पोजीशन में डायमंड बैठना चाहिए। ठीक है, अभी सिमिलरली ये भी कर लेते हैं। F6 जेमोन कार ऑब्जेक्ट 1.2, डायमंड टू डायमंड गैप आपका 0.15 से 0.18 रहता है।
सेम लेवल पर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कम आ रहा है, तो मैं ये इसको गैप को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 0.17 कर, 0.18 कर देता हूँ, ठीक है। अब ये ठीक है, ये साइड भी सेम डायमंड जेमोन कर्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरा डायमंड क्रेस्टिंग हो गया। अब इसको F6 क्लिक करके प्रॉन्ग्स लेना है, ये डायमीटर है, मैं 0.55 ले रहा हूँ डबल, ये हाइट में 0.7 रख रहा हूँ, ठीक है। और ये जो नोड है ये 25 to 27 रखता है, आपका जो लॉकिंग आता है ना प्रॉम्प्ट का लॉकिंग, ये भी प्रॉम्प्ट कर लिया। अभी सरफेस का जरूरत नहीं है, सरफेस डिलीट कर देते हैं। अभी क्या करना है, F6 क्लिक करके जिम ऑन जिम कटर, ये मेरा जिम कटर है, हो गया। अभी क्या करेंगे, मैं ऊपर थोड़ा फिलेट कर देता हूँ ताकि लुक अच्छा लगे, .3 का फिलेट कर देता हूँ। ठीक है, अभी क्या करेंगे, डायमंड का डिलीट करेंगे, इसको मैं अनब्लॉक करता हूँ, ये वाला पार्ट को मुझे डिलीट करना है, बूलियन डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे जो गैप दिख रहा है इसमें, यहाँ पे आप फॉल्स गेन भी दे सकते हो, फॉल्स टोन, इसको मैंने कॉपी किया, F6 क्लिक करके रॉन्ग ऑन सर्फेस, यहाँ पे फॉल्स फॉर्म भी दे सकते हैं ताकि मेटल ना दिखे ज़्यादा, ठीक है। बियरिंग तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताना, एंड अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें।